आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार नर व मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने लीलियम नामक पौधे में किया। आवृतबीजी पादपों में निषेचन नाल युग्मी प्रकार का होता है, अर्थात पराग कण से एक पराग नलिका बाहर निकलती है जिसमें दोनों नर युग्मक पहुँच जाते हैं। आवृतबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला, पराग कण का अंकुरण एवं पराग नलिका का मार्ग। सर्वप्रथम परिपक्व पराग कण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात पराग कण जल एवं शर्करा का अवशोषण करके फूल जाते हैं और उनके जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका में कायिक कोशिका का केंद्रक और जनन कोशिका दोनों प्रवेश कर जाते हैं। जनन कोशिका बाद में विभाजित हो जाती है और दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। सामान्यतया अंकुरण के समय एक पराग कण से केवल एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन मालवेसी और कुकरबिटेसी के पादपों में एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं। दूसरा, पराग नलिका का मार्ग। पराग नलिका पराग कण के अंकुरित होने के पश्चात बाहर निकलती है और वर्तिका में प्रवेश करती है। जैसे ही यह वर्तिका में प्रवेश करती है तो इसके द्वारा पेक्टिनेज नामक रसायन का श्रावण होता है जो वर्तिका की कोशिकाओं की भित्ति को गला देता है, जिससे पराग नलिका को मार्ग मिल जाता है और ये अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका बीजांड में तीन मार्गों द्वारा प्रवेश करती है। पहला है बीजांड द्वारे प्रवेश। पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती हुई अंडाशय में पहुंचती है और अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार वाले मार्ग से बीजांड में प्रवेश कर जाती है, अर्थात भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। दूसरा है निभागीय प्रवेश। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड में निभाग वाले मार्ग से अंदर प्रवेश करती है। तीसरा है अध्यावरणी प्रवेश। पराग नलिका जैसे अंडाशय में पहुंचती है तो अध्यावरण वाले मार्ग से बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी प्रकार से प्रवेश करे, किसी भी मार्ग से प्रवेश करे, लेकिन पराग नलिका भ्रूण कोश में बीजांड द्वार वाले मार्ग से ही अंदर प्रवेश करती है।